अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया है, जिसमें एवीबीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा है और जल्द समस्याओं के निवारण की अपील की है। इस दौरान एवीबीपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह संगठन छात्रों से प्रारंभ होकर छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एकत्रित छात्र शक्ति का परिचायक है। विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। छात्रों की समस्याओं को महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अनवरत उठाती आ रही है। इसी क्रम में आज झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन विश्वविद्यालय कुलपति को सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न टेक्निकल कोर्स चल रहे हैं, परंतु वहाँ के छात्रों को ट्रेनिंग एवं ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बहुत समस्याएं आती हैं। तो वहीं छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में अगर कोई छात्र नीचे के लिए अप्लाई करता है, जब तक उसके 15% नंबर की वृद्धि नहीं होती, तब तक उसके नंबर नहीं बनाए जाते। छात्रों ने मांग की है कि प्लेसमेंट सेल में प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक शिक्षक को रखा जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रोफेसरों को एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमुख कार्य एवं पद दिए गए हैं, जो उचित नहीं है। 3 वर्षों से ज़्यादा समय से एक पद पर बैठे लोगों को चिन्हित कर बदलाव किया जाए। विभागों की कक्षाओं एवं वस्त्रों के कमरों में दुरुस्त पेयजल की व्यवस्थाएँ की जाएँ आदि जैसी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, तथा एबीवीपी ने समस्याओं का यथाशीघ्र निवारण करने की विश्वविद्यालय परिसर से अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो एबीवीपी आंदोलन को बाध्य होगा। इस अवसर पर आयुष उपाध्याय, मनेंद्र सिंह गौर, समरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतीक द्विवेदी, शादाब खान, जयवर्धन मिश्रा, हिमांशु राय, गगन, विजय राणा, अजेंद्र, शिवांगतिक लाला, अखिल पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इकाई द्वारा 11 सूत्री जो छात्रों की समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, और ये सारी समस्याओं में अगर 2 हफ्तों के अंदर समाधान नहीं हुआ तो बृहद एक आंदोलन करने का एक स्वरूप हम लोग यहाँ लेके खड़े होंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इकाई द्वारा 11 सूत्रों को मांग लेके डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई मांगे हैं, चाहे विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला में सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, चाहे विश्वविद्यालय में कई MOU साइन कराना हो, बहुत सारी सुविधाएं कॉलेज कैंपस में सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, चाहे एडमिशन सेल में बैठे हुए 2-2, 3-3 साल तक एक ही पदों पर बैठे हुए अधिकारीगणों, इनको हटाने की मांग करते हुए विद्यार्थी परिषद की बुंदेलखंड इकाई द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसको अगर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा अगर नहीं देखा गया, नहीं उस पर संज्ञान लिया गया, तो 2 हफ्ते बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इकाई एवं झांसी महानगर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बृहद आंदोलन किया जाएगा। मैं इस समय ये ज्ञापन जो 11 सूत्री ज्ञापन है, कई इसमें मांगे हैं, जैसे कि यहाँ पे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आप सभी अवगत हैं कि यहाँ टेक्निकल कोर्सेज चलते हैं कई सारे, परंतु यहाँ के टेक्निकल कोर्सेज के बच्चों को ना ट्रेनिंग की व्यवस्था है, ना प्लेसमेंट से यहाँ का एक्टिव है, इस पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन IIT कानपुर जैसे संस्थाओं से MOU साइन करा के, इंडस्ट्रियल MOU साइन करा के यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था कराए और प्लेसमेंट सेल को एक्टिव किया जाए, और प्रत्येक विभाग के एक एक शिक्षक उस प्लेसमेंट सेल में रखा जाए, ना कि जो पहले से शिक्षक पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका काम छात्रों के लिए सुनने हैं, वो छात्रों के इतना कभी बात कर ही नहीं सकते, केवल अपनी जेबें भर रहे हैं। प्रयोगशालाएँ जो हैं पहले से, और जो नई प्रयोगशालाएँ बनाई जाए, और पहले की प्रयोगशालाओं में आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट उनको उपलब्ध कराया जाए, रासायनिक पदार्थ उपलब्ध कराया जाए। उसके अलावा छात्रों को घर बैठे ई लैब और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि घर से बैठा हुआ छात्र भी अपने पोर्टल्स खोले, स्टूडेंट लाइब्रेरी पर अपना साइन करे और डिजिटल किताबों को पढ़ सके, हमारी मांगे हैं। और अगर ये पूरी नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद 2 हफ्तों के अंदर विरोध आंदोलन को बाध्य होगा, जिसका विश्वविद्यालय प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। झांसी से हर्षदीप अरोरा की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now. www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.